तिहाड़ में बंद मनीष सिसोदिया को आज मिल सकती है जमानत। 250 दिनों के बाद आ सकते हैं मनीष सिसोदिया जेल से बाहर। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल मनीष सिसोदिया की रिहाई की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दी जा सकती है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को 22 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया था। जी हां, आपको बता दें कि आज 22 अक्टूबर है और आज मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दी जा सकती है। आपको बता दें, पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अभी मनीष सिसोदिया की कस्टडी कुछ दिन और बढ़ा दी जाए, जिसके बाद मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजय खन्ना से कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ पैसे लेने का कोई सबूत नहीं है और ऐसे में मनीष सिसोदिया को जेल में रखना कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर मनीष सिसोदिया को जमानत दे दे। आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो मनीष सिसोदिया दोबारा अपनी राजनीति में कदम रखते हुए दिखाई देंगे। केजरीवाल के राइट हैंड माने जाने वाले मनीष सिसोदिया केजरीवाल के गहरे दोस्त के साथ साथ उनके राजनीतिक सलाहकार भी माने जाते हैं। अगर मनीष सिसोदिया रिहा हो जाते हैं तो पूरी आम आदमी पार्टी खेमे में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। लेकिन ये तो देखने की बात होगी कि मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहत मिलता है या नहीं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आपका अपना चैनल न्यूज़ लॉकर। आपके लिए न्यूज़ रूम से अमन बरडियार की रिपोर्ट।